सो so गाइज़ ये है आज के वीडियो की हाईलाइट ये थाली लंच थाली है जो कि मम्मी ने बनाई है तो मम्मी की इसमें रेसिपीज़ हैं स्पेशल दाल की अलग है सब्जी में एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है मम्मी ने जो कि लेस ऑयल से क्रिस्पी सब्ज़ी बनेगी और ये रोटी तो बिल्कुल ही डिफरेंट है तो आप ये रेसिपी देखने के लिए ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना बैक टू माई चैनल और मैं हूँ निधि अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ मैं करोनी सिंपल बटर में टॉस करूँगी ये है हमारी मैक्रोनी जो हमने बॉईल करके रख ली है बस बटर में मैंने थोड़ा सा प्याज जो है वो टॉस किया है और इसको इसमें डाल दूंगी सो गाइज स्किन टेक्स्चर की मैं बात कर रही थी कि स्किन uh, मेरी कैसी हो गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी uh, का और सेकेंड का दोनों का कॉमन एक्सपीरियंस रहा है कि जो स्किन है ना वो मेरी काफ़ी ड्राई हो गई है हालांकि विंटर्स भी थी बट आरब के टाइम पे विंटर्स आई थिंक हाँ विंटर्स नहीं थी समर थी स्टिल मेरी स्किन जो थी थो, थो, थोड़ी ड्राई रुकी सी थी uh, बहुत ज़्यादा उस टाइम ड्राई नहीं थी अभी तो बहुत ज़्यादा ड्राई थी विंटर्स की वजह से लेकिन uh, मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो थो, थोड़ी ड्राइनेस स्किन में बड़ी थी दूसरी चीज की ब्लैकनेस जो होती है ना स्किन की ये वाला एरिया जो है ये काफ़ी मतलब डार्क जहाँ पे भी फोल्ड्स पड़ते हैं ना वो एरिया काफ़ी डार्क हो गया था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसा मतलब डार्क ना एक अलग टाइप का डार्क होता है आ, जहाँ पे भी आपका स्किन जो है ना अगर वहाँ पे हल्की डार्कनेस है तो वो डार्कनेस थोड़ी बढ़ गई है नहीं है तो नई डार्कनेस भी डेवलप हो गई है फोरहेड वाला एरिया मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये वाला एरिया जो था यहाँ वाला एरिया ये एरिया और भी जो फोल्ड्स हैं जैसे फोल्ड्स हैं तो ये फोल्ड्स वाले एरियाज जो होते हैं उन पर डार्कनेस बढ़ जाती है उसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स भी आपको आ सकते हैं बहुत ही कॉमन है ये उसका रीज़न ये है कि मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है और जिन लोग की स्किन वीटिश है या थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन कह सकते हैं। इंडियन स्किन टोन जो कहते हैं हम उसमें ये चीज़ प्रॉब्लम मतलब ये फेस करनी पड़ती है मोस्टली जो फेयर होते हैं उनको ये प्रॉब्लम कम होती है उनके अंदर डार्कनेस नहीं आती है बट जो लोग आ, इंडियन स्किन टोन के होते हैं थोड़े ब्राउन स्किन टोन के होते हैं उनके साथ में प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिली है और ये मेरा मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं और मैंने खुद भी इस चीज़ को फ़ेस किया क्योंकि मेरा कलर जो है वो बहुत फेयर नहीं है वीटिश में आता है तो उस टाइम पर भी बहुत ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक पेंट कर दिया हो कुछ अलग सा एक ऐसे पैच चिपका दिया हो ऐसा टाइप का ब्लैक था नॉर्मल ब्लैक नहीं था मतलब नॉर्मल डार्क या ब्लैक नहीं था वो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चिपका दिया अलग से ही पता चलता था अभी भी है बट फर्स्ट में बहुत ज़्यादा हुआ था तो अभी भी स्किन जो है वो बहुत ही डल और ड्राई एंड स्पॉट्स ब्लैक स्पॉट्स ये सब होना बहुत कॉमन है लेकिन अच्छी बात इसकी ये है कि जैसे आप डिलीवर करते हो ना बेबी को तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है और मैंने बताया मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर जिनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने उस टाइम पर मुझे बताया था कि ऐसा होता है और फिर उनको मैंने खुद भी देखा है कि वो कहाँ से कहाँ तक उनकी स्किन आई है विद इन अ ईयर वो मैंने खुद उनको देखा भी है तो हा, हालांकि उन लोगों ने ट्रीटमेंट लिया था तो उनका जल्दी हो गया था बट मेरा भी अपने आ, मैंने कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई की थी अरब के टाइम पर जब अरब हो गया था तो मैंने तुरंत नहीं की थी क्योंकि तुरंत तो मुझे ना समझ में आया था ना मुझे इतना यू नो इतना इंटरेस्ट नहीं रहता इन सब चीज़ों में चलता है मुझे <laughs> तो बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा स्किन डी आई वाई जो है वो ट्राई किए थे एंड देन फिर मेरा भी एक डेढ़ साल के अंदर वापस से मेरी स्किन जो थी वो एकदम नॉर्मल हो गई थी तो ये अपने आप भी नॉर्मल हो जाती है और अगर आप चाहो तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हो डी आई वाई वगैरह भी ट्राई कर सकते हो बट ये हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है और जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग का जो स्किन है वो थोड़ा ब्राउन स्किन टोन है उनमें ये थोड़ी ज़्यादा चीज़ें कॉमन देखने को मिलती है बट इसके टेंशन लेना और घबरा गर्बरा, घबराने की जरूरत नहीं है यहां पर पूरे पैचेस, दाने जैसे छोटे छोटे ये सब होना बैक में ये सब होना बहुत कॉमन है तो अगर आपको भी हो रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना ये अभी जैसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो थोड़ा सा लगता था कि क्यों हो रहा है क्या है बट हाँ वो अपने आप ठीक भी हो जाता है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते हो ओवरऑल ग्रेजुअली धीरे धीरे ठीक हो जाता है अलग अलग हर किसी को टाइम लगता है लेकिन ठीक हो जाता है और चाहो तो कुछ डी आई रेमेडीज़ हैं जो अच्छी हैं तो उससे प्रोसेस थोड़ी सी जल्दी हो जाती है बस इतना होता है लेकिन अपने आप ठीक हो जाता है तो अभी फिलहाल मेरी स्किन जो है वो आप लोग खुद भी ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़ी डल और थोड़ा सा आ, आ, क्या स्किन टोन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो ये प्रॉब्लम मैं आजकल फेस कर रही हूँ तो अब तो मैंने ध्यान देना ही बंद कर दिया है क्योंकि ज़्यादा ध्यान दो तो फिर स्ट्रेस आता है फालतू का कि यार कैसा है कैसा कुछ कर तो सकते नहीं है इस चीज़ में जो होना है वो तो होना हार्मोनल चेंजेस है वो तो होना ही है जो हम कर सकते हैं हम अपने रेगुलर डेज़ में वो हम करते हैं अब तो चलता है तो लेकिन आप लोग बताना कि किन किन को ये स्किन इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं वो भी मुझे बताना है कि आपकी स्किन भी डार्क हो रही है पैचेस पड़ रहे हैं दाने छोटे छोटे से एकदम वाइट दाने जैसे भी होते हैं यहाँ पर मतलब रफ स्किन जो है वो प्लेन स्मूद नहीं है यहाँ वाले एरिया में और ये सब कुछ मैं पहले भी फेस कर चुकी हूँ आरब के टाइम पे इसलिए मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मुझे भी दो तीन लोग अभी रिसेंट में भी मिले तो उन्होंने भी मुझे बताया कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है मुझे भी हुआ था ऐसा वैसा तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करती है और आप लोग से आप, आपका एक्सपीरियंस जानूंगी और मैं अपना एक्सपीरियंस तो कर ही चुकी हूँ शेयर तो कमेंट करके मुझे बताना अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो लैट है तो ये है उड़द की दाल जिसको धो करके और हमने आधे घंटे के लिए भिगा दिया था और अब मैं इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लूँगी तो जब तक हमारी दाल सोक हो रही थी हमने तड़के की तैयारी कर ली थी तो ये प्याज है एक मीडियम साइज का और दो टमाटर है एक हरी मिर्च थोड़े से लहसुन और थोड़ा सा अदरक इसको इस तरीके से बारीक चॉप करके हमने रक रेडी कर लिया है और एक तरफ हम आटा लगा लेंगे तो गेहूं का आटा है उसमें दो चम्मच तेल और थोड़ा सा नमक डाला है अजवाइन ऑप्शनल है आप डाल सकते हो हमने नहीं डाला है और इसमें गेहूँ का आटा अगर थोड़ा मोटा वाला रहेगा तो और अच्छी रोटी बनती है और इसका एक बहुत ही कड़क सा आटा लगाना है आप और इस रोटी को एक डिफरेंट तरीके से सेका जाता है जो मैं भी आपको बताऊंगी तो वीडियो एंड तक देखना और इस रोटी को गर्मा गर्म दाल के साथ में खाइए ऑसम लगती है तो चलिए अब एक तरफ मैं दाल चढ़ा दूंगी धीमी आँच पे दाल हमारी बॉइल होती रहेगी और एक दूसरी गैस पर हम धीमी आँच पे अपना जो तड़का है वो भी तैयार कर लेंगे तो मल्टीपल टास्क चलता रहेगा एक तरफ दाल बॉयल हो रही है एक तरफ दाल का तड़का तैयार होगा एंड देन फिर जब दाल बॉयल हो जाएगी तो फिर हम गोभी आलू की एक नए तरीके से सब्जी बनाना भी सीखेंगे तो चलिए जब तक दाल हमारी बन रही है मैं आप लोगों के साथ आज की टीचिंग शेयर करती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने में आप कैसी पर्सनैलिटी है आपकी वो डिफ़ाइन करने में तो आज की टीचिंग कहती है कि आपका सबसे बेसिक यूनिट जो है ना वो है सोच आपकी क्या सोच है उसी से आपकी पर्सनैलिटी बनती है जो आप हमेशा सोचते हो अपने मन में वही चीज़ें आपके मू मतलब जबान पे भी आती रहती हैं आप अन नोइंगली वही चीज़ें बोल रहे होते हैं और फिर जब वो बोल रहे होते तो वही कर भी रहे होते हो वो आपकी हैबिट बनता जाता है और जब हैबिट बन जाता है तो वही आपकी पर्सनैलिटी भी बन जाती है तो इन शॉर्ट आपकी जो भी पर्सनैलिटी है आप पॉजिटिव पर्सन हो या नेगेटिव पर्सन हो वो आपकी एक छोटी सी सोच से शुरू होता है तो अगर आपको अपने आप को बदलना है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ बदलनी है वो है सोच तो सोच को बदलने में आप लग जाइए कॉन्शियसली जान बूझ कर आप देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं और जैसे ही आप अपनी सोच पे काम करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही ड्रास्टिकली आपकी पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो गई है अब चलिए इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर में पे भी समझने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आपके घर में फेस्टिवल होता है या फिर आपने टॉप किया है या कोई ऐसी खुशी आई है जो कि अनएक्सपेक्टेड थी आपको बहुत खुश कर रही है और उस वक्त अगर आप बीमार भी होते हो ना तो भी आप इन्जॉयमेंट सेलिब्रेशन और सारे काम सब में आपके अंदर एक अलग एनर्जी होती है क्यों क्योंकि आप उस वक्त वो बीमारी को फील ही नहीं कर पाते हो आपके दिमाग में दिल में आपकी जो सोच है ना वो खुशी या पॉजिटिविटी की तरफ चल रही होती है इसलिए आप सब काम कर लेते हो और आप पॉजिटिविटी और ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगते हो सेलिब्रेट करते हो तो और खुश होते हो लोगों को बताते हो और खुश होते हो ऐसा होता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि पड़े पड़े सर में हल्का सा दर्द हुआ और हम फिर बोल जो आ रहा है जिसका फ़ोन आ रहा है हम उसको बोल रहे हैं अरे यार बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा है हस्बैंड ने आके पूछा अरे यार बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है ऐसा बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं और जितना हम बोलते हैं उतना ही हम अंदर से फील करते जाते हैं और अल्टीमेटली वो छोटा सा सर दर्द कई बार हफ्ते भर का सर दर्द भी बन जाता है आई एम श्योर कि ऐसे कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स आपने अपनी लाइफ में ज़रूर फेस किया होगा बट कभी सोचा नहीं होगा आज बैठ करके उस पॉइंट को ज़रूर सोचिएगा कि आप वही चीज़ें फील करने लग जाते हैं जो आपके मन में चल रहा होता है तो इसीलिए आपको पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनना है मतलब आपको हर जगह अच्छी चीज़ दिखे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा हो बट हमें उसमें से जो भी कुछ बो बोला जाता है ना हम भी किसी के लिए कुछ बोलते हैं तो हम कुछ अच्छा भी बोलते हैं और कुछ बुरा भी बोलते हैं बट वो सामने वाले के नज़रिए डिपेंड करता है कि वो हम जो बोल रहे हैं उसमें से क्या चीज़ एक्सेप्ट क्ट करेगा इसीलिए एक व्यक्ति हर किसी के लिए अच्छा और हर किसी के लिए बुरा नहीं होता है एक व्यक्ति किसी के लिए अच्छा होता है किसी के लिए बुरा होता है क्योंकि ये हर पर्सन की अलग अलग सोच पर डिपेंड करता है कि ये वाला पर्सन क्या बोल रहा है कैसा है वो उसकी सोच पर है अगर वो पॉजिटिव सोचता है तो वो उसको सबके अंदर पॉजिटिव दिखेगा अगर दूसरा व्यक्ति नेगेटिव देखता है तो वही सेम पर्सन की सेम बात उसको नेगेटिव लगेगी तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है अपनी सोच पे ही काम करना है और काम करने का मतलब कुछ अच्छा ऐसा कि कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो उसको कॉन्शियसली जानबूझकर इग्नोर करने की कोशिश करके और अच्छा कुछ फोकस कीजिए अच्छा कुछ सोचने की कोशिश कीजिए ये एक दिन का काम नहीं है ये बहुत पेशेंस और धीरे धीरे वाली चीज़ है बट अगर आप जान कर, ध्यान देकर इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक महीने में छः महीने में साल भर में जब भी आपको ये चीज़ आपकी हैबिट बन जाएगी तो ये आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी और इससे आपका भी फ़ायदा होगा पूरे यूनिवर्स का एन्वायरमेंट का सोसाइटी का सबका फ़ायदा होगा इसलिए अपनी सोच पर काम कीजिए और एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए आई होप आज की टीचिंग आपको जरूर अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करेंगे आज से और अभी से तो हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी है पक चुकी है दो सीटी लगा ली थी हमने और अब पहले सब्जी चढ़ा लेते हैं उसके बाद दाल का काम करते हैं तो सरसों का तेल अच्छे से गर्म करके उसमें हींग और जीरा डाला है थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और उसके बाद गोभी आलू जो हमने मीडियम साइज़ में कट करके रखा था वो डाल देंगे तो तेल की क्वांटिटी कम है तो अगर आप कम तेल के अंदर सूखी सब्जी फ्राई मतलब क्रिस्पी गली गली सी ना बने थोड़ी क्रिस्पी सी बने सब्जी और आप लोहे की कढ़ाई में बना रहे हो चाहते चिपके भी नहीं और अच्छे से बन भी जाए कुक भी हो जाए तो ये ट्रिक मम्मी अभी जो मैं आगे शेयर करूँगी वो आप फॉलो कर सकते हो और वाकई अच्छे से काम की थी अच्छी बनी थी सब्जी तो यहाँ पर हमने गोभी आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया थोड़ा मतलब जितना लगेगा उतना आप डाल सकते हो और उसके बाद मैं जैसे रेगुलर करती हूँ कि मैं इस तरीके से प्लेट ढक देती हूँ बट फिर मम्मी ने बोला कि ये वाली ट्रिक तुम अपने व्यूअर्स को बता सकती हूँ क्योंकि हमारे जैसे जो न्यू कमर्स हैं किचन में उनके लिए ये एक्सपीरियंस वाला जो टिप है मम्मी का ये बहुत काम आएगा का, तो मुझे लगा चलो ठीक है ये शेयर करते हैं तो इस टाइप की कोई प्लेट या ढक्कन जिसके अंदर थोड़ा सा गैप हो जिसमें आप पानी इस तरीके से तो, तो ऐसा कर करने से ये जो पानी है ना ये स्टीम बनाएगा नीचे कढ़ाई के अंदर और स्टीम से सब्जियाँ कुक हो जाएंगी बट हमने क्योंकि डायरेक्टली पानी नहीं डाला है तो सब्जियाँ गली गली सी और पनीली सी नहीं बनेगी क्रिस्प उनका बना रहेगा अच्छे से कुक भी हो जाएंगी ऑयल की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी चिपकेंगी भी नहीं और बाद में आपने ओपन ओपन करके जब भी अच्छे से पक जाए तो ओपन करके आप इसको आ, खुल, वो भी आ, क्रिस्पी कर सकते हो फ्राई कर सकते हो तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी थी आलू और गोभी उसके बाद हमने इसे ओपन कर लिया है और अब इसे ओपन में ही पकाएंगे और इस टाइम पर आप सारे मसाले बाकी ऐड करेंगे धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर और गर्म मसाला ये इस टाइम पर ऐड करेंगे और इसे खुला करके दो तीन मिनट पकाएंगे दो तीन बार चला करके और सब्ज़ी जो है एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी तो जब तक सब्जी बन रही है एक तरफ दाल भी हम रेडी कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि रोटियां कैसे बनानी है और इस रोटी का नाम है हाथ की रोटी <laughs> यहाँ पर देखिए रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया हमने और ये रोटी जो है ना थोड़ी सी मोटी बनती है आप देख सकते हो और इसको एकदम धीमी आंच पे आपको सेकना होता है मतलब ठंडे तवे पे नहीं सेकना है थोड़ा सा मीडियम और धीमा तेज़ आंच पे इसको नहीं सेकना है क्योंकि मोटी है ना तो कच्ची नहीं रहनी चाहिए और इसमें क्रिस्प आना चाहिए तो वो तभी आएगा जब आप धीमी आँच पर सेकेंगे मीडियम फ्लेम पर करके तो ये देखिए ये मीडियम फ्लेम पर हमने सेक ली थी और उसके बाद इस तरीके से घुमा घुमा करके आपको सेकनी होती है तो उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है एक रोटी बनने में थोड़ा सा टाइम मतलब जितनी आप चपाती बनाओगे से डबल टाइम थोड़ा लगता है लेकिन टेस्टी बहुत लगती है इसमें नमक और वो थोड़ा सा तेल वगैरह डाला रहता है ना तो उससे इसका फ़्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और गर्मा गर्म दाल के साथ में आप खाइए बहुत अच्छी लगती है मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ को और मेरे हस्बैंड को ये वाली रोटी बहुत पसंद है तो वो लोग अक्सर इस तरीके से उड़द की दाल और ये वाली रोटी खाना पसंद करते हैं उड़द की दाल पर्सनली मेरी चॉइस में नहीं है बट वैसे जो लोग खाते हैं उनके लिए ये कॉम्बो बहुत ही अच्छा रहेगा तो चलिए अब अपना लंच जो है वो सर्व कर लेते हैं और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रेसिपीज़ कैसे लगी ज़रूर ट्राई करना है ये ट्रिक जो मम्मी ने बताई है सब्ज़ी के लिए वो वो भी ट्राई करना और आपके पास इस तरीके की को कोई टिप्स हो किचन टिप्स तो वो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में डालना अच्छा लगता है हेल्प भी मिलती है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना कॉमेंट करके मुझे बताना ये थाली आपको कैसी लगी आपके मुँह में पानी आया कि नहीं आज का वीडियो आई होप आज की टीचिंग रेसिपीज थाली और पूरा ओवरऑल व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा और स्किन के बारे में भी अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करना कमेंट बॉक्स में और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जल्दी से हमारे फोर सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो बस आप सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मैं मिलती हूँ कल के वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर thank you